अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते भाई लोग। अभी राजीव हमारे पास आया हुआ है, जो कि आप लोग देख सकते हैं बराबर करता रहा। इस बार भी गांठ का मांग है, मैं खड़ी हो रहा हूँ तो पतंग दिखाना है आसान होगा। ये देखिए गांठदार कमान में, गांठदार कमान में देखिए पतंग बना, बिल्कुल सब के सब गांठ बराबर, जवाबी गांठ, ठीक है। और बहुत बेहतरीन तरीके से ये पतंग सब तैयार होता है, आप लोग देखिए, ठीक है ना। राजीव जो है अभी शकील अंसारी से हुनर पूरा लिया हुआ है, शकील अंसारी को ही उस्ताद मानते हैं, ठीक है। और बहुत ही खास तरीके से पतंग बना के रख रहे हैं, बहुत गजब है। ये प्लेन कमान में है, ठीक है। और अभी देखिए कुछ यूनिक पतंग इसने बनाया, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिक पतंग, प्रेम यूनिक पतंग, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कि हाँ, ये लाइट में देखा हुआ हूँ, देखिए इसका जो कहीं पे भी कोई शिकायत नहीं है, ठीक है ना। और आप लोगों को और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का शैडो पीक है, जो कि इसको बनाने में भी बहुत मेहनत लगता है, आप लोग देख सकते हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का टोपी है या ये चश्मा है, ठीक है, दोनों तरफ से यही है, आप लोग देख सकते हो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और ये प्लेन है, इकोनॉमिक क्वालिटी का है। और ये तिरंगे का यूनिक काइट है, जो कि हम लोग इसको फ्रेम बना के भी रख सकते हैं, उड़ा के भी उड़ा भी सकते हैं, जो कि गांठदार कमान सब पे ही लगा हुआ है बिल्कुल, ठीक है। ये गांठदार कमान लगाने का वजह ये है कि ये लाइफ टाइम, लगभग लाइफ टाइम ये सही रहेगा, 20 साल 30 साल में भी ये कमान टूटेगा नहीं, ठीक है। और ये देखिए एक बच्चा पतंग उड़ाते हुए, ठीक है ना। एक चीज़ मैं दिखाऊँ, ये बच्चा जो पतंग उड़ा रहा है और इसमें जो छोटी हार्ड बनी हुई है, ये इधर से भी है और रोशनी से भी है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये कलाकारी इसकी होती है, और ये पतंग के अंदर पतंग, ठीक है। और ये तितली है, ठीक है। खुदा हाफिज़ भाई लोग, नमस्ते। आप लोग ये पतंग का आप लोग बिल्कुल मनोरंजन लीजिए, ऑर्डर कीजिए, आप लोगों को मिलेगा, ठीक है ना भाई। गुड बाय।